नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। यूपी की कौसाम्बी पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करने के जल्दबाजी में एक परिवार पर जमकर कहर ढाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सादी वर्दी में दर्जनों की संख्या में पहुंचे पुलिस वालों ने घर में दरवाजा तोड़कर उनके घर घुसे और लूटपाट के बाद घर की महिला को पैरों में गोली मार दी है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस के अधिकारी पीड़िता के घर में दबिश की बात तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन किसी को गोली मारे जाने और लूटपाट की घटना से इनकार कर रहे हैं। कोखराज थाना इलाके के बरीपुर गांव के इस मकान में बिखरा सामान, टूटा दरवाजा और चारपाई पर दर्द से कराह रही महिला किसी न किसी अनहोनी को चीख चीख कर बयां कर रही है। ये सब कब और कैसे हुआ इसको हम आपको बताएं, उससे पहले यह बयान पीड़िता की महिला की सुनिए। हम टोलदार हैं, आए हम बदमाश हैं, फिर हमको वो बम्बा पर से चढ़ के हमको गोली मार दी, हम भी होश हो गए। पीड़ित महिला ने बताया कि रात में करीब 12 बजे दर्जनों लोग उसके घर में दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए और मारपीट कर सब लूट लिया। मैंने विरोध किया तो पैरों में गोली मार दी। पीड़ित महिला के बयान से आप कुछ कुछ मामले को समझ गए होंगे, नहीं तो घटना के चश्मदीद गवाह बिट्टन देवी की जुबानी भी सुनिए। महिला बिट्टन देवी ने खुले शब्दों में बताया कि देर रात सादे कपड़ों में दर्जनों लोगों ने जवाहर के घर पर हमला बोल दिया और सब कुछ लूट कर ले गए, जाते जाते राजपति के पैर में गोली मार दी। अब इस कहानी का दूसरा रूप भी देखिए, जिसमें कोखराज पुलिस की भूमिका पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। कोखराज पुलिस ने देर रात एक लूट की घटना का खुलासा करने की जल्दी में अपनी मोबाइल की दुकान से वापस घर जा रहे दो युवकों को उठाकर थाने में बंद कर दिया। मामला रात का था, लिहाजा पुलिस ने अपना रूप दिखाकर गिरफ्तार लड़कों की जमकर थाने में पिटाई की और उन पर लूट का जुर्म कबूल करने का दबाव बनाने लगे। पीड़ित लड़कों ने आरोप स्वीकार नहीं किया तो कोखराज पुलिस ने इंचार्ज ने लड़के प्रदीप के घर पहुंचे और जमकर तांडव किया। इतना ही नहीं, प्रदीप के घर वालों पर फर्जी तरीके से पुलिस के साथ मुजाहमत का मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस लॉकअप में बैठे नितिन कक्कड़ नाम के युवक ने बताया कि कोखराज की पुलिस अपने गुनाह को छिपाने के लिए उन पर झूठी और मनगढ़ंत कार्रवाई कर रही है। कोखराज पुलिस की कहानी में एक और खेल उस समय खुलकर सामने आता है जिसमें पुलिस हर्रायपुर गांव के पास हुई लूट की वारदात होने का दावा कर रही है। मीडिया ने लूट के पीड़ित प्रदीप नाम के युवक को खोज कर उसका बयान लिया तो उसने साफ शब्दों में बताया कि उसके साथ और उनकी बहन के साथ लूट की वारदात 9 बजे के करीब हुई, लेकिन पुलिस ने पीड़ित को वहाँ से बिना मुकदमा दर्ज किए ही वापस घर भेज दिया। लूट के पीड़ित का कहना है कि पुलिस देर रात तकरीबन 3 बजे उसके घर पहुँच कर तहरीर अपने से बोल कर लिखवा कर लेते हैं और मुकदमा सुबह 5 बजे दर्ज करती है। गुड़वर्क की आड़ में बैडवर्क करने वाली कोखराज पुलिस की कार्रवाई पर जब मीडिया ने पुलिस के बड़े अधिकारियों से सवाल जवाब करना शुरू किया तो एसपी प्रदीप गुप्ता जांच में होने का बहाना कर अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ गए। एएसपी अशोक कुमार से बात की गई तो उन्होंने भी मीडिया के सामने न आना पड़े इसके लिए आउट ऑफ स्टेशन होने का बहाना कर दिया। मजबूरन मीडिया ने सर्किल अफसर अंशुमान मिश्रा से सवाल किया तो उन्होंने लूट की घटना के बाद एक घर में दबिश की बात तो स्वीकार की, लेकिन वहाँ हुई लूटपाट और गोली मारे जाने की घटना से साफ इनकार करते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। महिला का आरोप है कि पुलिस आई और लूटपाट की। महिला इस संबंध में पुलिस ने जो क्योंकि बदमाश उधर की तरफ भागे थे और वहीं पर शरण लिए थे, इस पर इनके द्वारा प्रयास किया गया कि उनकी गिरफ्तारी हो और उनको पकड़ा जाए। इस संबंध में आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं जिनकी भी जांच की जा रही है और पुलिस द्वारा अगर ऐसा कुछ किया गया तो उसकी भी जांच।